ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का है, जहां ड्रग इंस्पेक्टर पर आरोप है कि होलसेल मेडिकल स्टोर के लिए 80,000 रुपये की घूस मांगी गई थी और 70,000 रुपये पर लाइसेंस बनाने की बात बनी थी, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने पैसे बाहर बैठे बाबू को देने के लिए कहा था। वहीं इस पूरी घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसका MKN न्यूज़ पुष्टि नहीं करता है। बाराबंकी जिले में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर सीमा सिंह है। मेरे एक रिश्तेदार ने होलसेल मेडिकल स्टोर के लिए अप्लाई किया था, जिसको लेकर इन्होंने उससे 80,000 रुपये की रिश्वत की मांग की। जब मेरे जानकारी में आया तो मैं इनसे मिलने गया इनके ऑफिस, जहाँ बात हुई थी। उन्होंने कहा 80,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं पड़ेगा। मैंने कहा मैम कुछ कम ले लीजिए, हम लोग गरीब आदमी हैं।